न्यूटन स्कूल के बारे में, तो आप लोगों को जिनको नहीं पता है न्यूटन स्कूल के बारे में, तो यार ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रिपेयर करती है फॉर योर कैरियर इन टेक, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो। बट आप क्या है, मतलब क्या है कि आजकल बहुत सारे एक्चुअली में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि आपको जॉब दिलाने हेल्प करते हैं, बट न्यूटन न्यूटन से अलग कैसे यार? अगर आपको जैसे सपोज यू आर स्टूडेंट और यू आर वर्किंग प्रोफेशनल और यू आर वुमेन विथ नो कोडिंग बैकग्राउंड, तो आपको कोडिंग सीखनी है और आपको एक टेक फील्ड में जॉब लेनी है आफ्टर कॉलेज कॉलेज कंप्लीट, और आपको अपनी जॉब स्विच करनी है, तो उस टाइम पे आप न्यूटन स्कूल कैसे बेस्ट है? आपको क्या, जब आप न्यूटन स्कूल में अप्लाई करोगे तो यू डोंट हैव टू पे एनी मनी इन द स्टार्टिंग। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है एंड आपकी जब जॉब लगी उसके बाद आपको पे करना है, एंड बाकी के सारे डिटेल्स आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा आपको एक बार आप चेकआउट करें न्यूटन स्कूल के बारे में, एंड ये जो वेबसाइट का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो मैं आपको इसको ये लिंक ऐड कर दूंगा। एंड यहाँ पे न्यूटन स्कूल काफी सारा कॉन्टेस्ट कराते रहते हैं ये लोग, कोडिंग कॉन्टेस्ट हुआ था इनका हाल फिलहाल में, जो कि बहुत ही ज्यादा बच्चों ने आई थिंक 50 के प्लस इन्होंने इनके पार्टिसिपेंट थे उस कॉन्टेस्ट में। तो अगर आपने मिस आउट कर दिया तो कोई बात नहीं, आगे भी जब अगर कोई कॉन्टेस्ट कल आता है तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दिया करूंगा वीडियो वीडियो के थ्रू, ठीक है? तो आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर न्यूटन स्कूल के बारे में कि क्या है कैसे कर, आई थिंक मैंने आपको बता ही भी दिया कि अगर आपको जॉब लेनी है बट यू डोंट हैव टू पे यू डोंट हैव मनी इन द स्टार्टिंग, अगर आप क्या करो आप जॉब ले लो, फिर आपके पास आप क्या करना आपके जॉब लेने के बाद आप उसके बाद पे कर सकते हो इनको, ठीक है? एंड ये तो रहा, एंड आपको सपोज कि इनके बहुत सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, अगर आपको उनमें पार्ट लेना है तो मैं आपको लिंक दे दिया करूंगा, जब भी कोई इससे पहले हो चुका है एक बार, एंड अगर इसके बाद अगर कोई आता तो मैं क्या करूंगा आपको अपडेट कर दूंगा, एंड मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो ठीक, हम देखने वाले हैं कि अपना हमारे पास जो क्वेश्चन है लेवल ऑर्डर लाइन वाइज है, ठीक है? तो लेवल ऑर्डर लाइन वाइज में क्या होता है कि देखो, हमने लास्ट वीडियो तो हमने बनाया था उसमें देखा था, हमने लेवल ऑर्डर देखा था नॉर्मल, उसको देखते हैं कि लेवल ऑर्डर नॉर्मल हमारा क्या था, ठीक है? तो एक मिनट देना मुझे, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो तो इसको हम रिमूव करते हैं अपना, क्लियर करते हैं ड्राइंग यहाँ से, इसको फुल स्क्रीन करते हैं एंड देखते हैं कि हमारा लेवल ऑर्डर लाइन वाइज, आई थिंक मैंने आपको स्क्रीन कर ही दिया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि मैंने पहले गलती से यही वाला क्वेश्चन स्क्रीन कर लिया था। देखो भाई ये ट्री है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेवल ऑर्डर में जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसमें क्या था, आपको प्रिंट करना है इस लेवल का नोट, इस लेवल का नोट, इस लेवल का नोट, जिससे क्या आ जाएगा 1, 2, 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7। मतलब लेवल ऑर्डर, मतलब लेवल वाइज जो भी लेवल के नोट्स आ रहे हैं ना, मतलब पहले पहले वाले लेवल के नोट आएंगे, उसके बाद उसके बाद के वाले लेवल के नोट, फिर उसके बाद वाले लेवल के नोट्स आएंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले लेवल ऑर्डर लाइन वाइज में क्या होगा, एक लेवल के नोट्स आ गए ना, उसके बाद आपको क्या करना, लाइन चेंज करना है, लाइन आपने चेंज कर दिया है, उसके बाद जो नोट्स आ रहे हैं वो सेकंड लेवल अलग वाले लेवल के नोट्स आएंगे। फिर सपोज कि एक लेवल उसके बाद आपने उस लेवल के नोट्स आ रहे हैं प्रिंट कर दिया, अब जो अगली बार जो लेवल के नोट्स आएंगे ना वो क्या होंगे, अलग वो नेक्स्ट लेवल के नोट्स होंगे, उसके लिए आपको फिर से अपना लाइन चेंज करना पड़ेगा। लाइन चेंज से क्या मतलब, दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको इरेज करके सही से आपको ड्रॉइंग कर लेते हैं। पहले देखो ये आपको ट्री है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो ये आपका आपका ना, ये मैं लेवल को ऐसे करता हूँ, ये आपका एक लेवल वन है, लेवल टू के नोट्स हैं, आपका लेवल थ्री के सारे नोट्स हैं। अब देखो कैसे प्रिंटिंग कैसे करनी है, यहाँ पे देखना आप लेवल वन पे कौन सा एलिमेंट है, 1 ये प्रिंट कर दो, उसके बाद अब जो प्रिंटिंग होगी ना वो यहां से होगी, 2 को होगी, 3 को होगी, ये हो गया लेवल टू के, ये लेवल दो के हो गए। अब जो अब उसके बाद लेवल थ्री पे आओ, लेवल थ्री पे कौन कौन नोट है, 4, 5, 6, 7। तो देखो लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, तीन लेवल के, तीनों लेवल के नोट्स आ गए यहाँ पे, ऐसे प्रिंट हो गए। तो ये था बस, हमें यहाँ पे ऐसा देखना, ऐसा करना है। बट लेवल ऑर्डर में क्या था, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन लेवल ऑर्डर, उसमें था कि एक दो, मतलब सब एक ही लाइन में प्रिंट हो रहे थे, बट हमें यहाँ पे एक ही लाइन में प्रिंट नहीं करना है, हमें क्या करना है, उन सभी हर लेवल के नोट्स को अलग अलग लाइन पे प्रिंट करना है। तो बस सेम कोड रहेगा, तो हमने क्या किया था, एक वाइल लूप लिया था, मतलब एक क्यू लिया था, क्यू में वैल्यूज को ऐड कर रहे थे, उसके बाद हम क्या कर रहे थे ना, उसके बाद क्या कर रहे थे कि उसको रिमूव करके देख रहे थे उसका लेफ्ट चाइल्ड है राइट चाइल्ड है, तो उसको प्रिंट कर दो, मतलब ऐड कर दो फिर प्रिंट कर दो। बट यहाँ पे जब भी हम क्यू में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, तो क्यू का देखेंगे उस समय क्यू का साइज क्या है, क्योंकि क्यू में उतना ही एलिमेंट आते हैं जितना एक लेवल के, सपोज क्यू में हमने एक को रिमूव किया और दो और तीन को क्यू में फिल किया, जब हम दो और तीन को क्यू में भर रहे हैं ना, तो ये एक लेवल के नोट्स हैं, तो एक बार में जो क्यू में जितने एलिमेंट्स होते हैं ना वो एक लेवल के एलिमेंट्स ही होते हैं, तो हमें बस क्यू का साइज निकाल लेना है उस टाइम पे, उतने कितने एलिमेंट हैं, और जो भी सपोज कि हमने एक को डाला और उसे रिमूव किया, दो तीन को ऐड किया, तो दो और तीन अभी दो एलिमेंट है, तो ये लेवल टू के एलिमेंट्स डिनोट कर रहे हैं लेवल। उसके बाद हमने दो को रिमूव करेंगे, थ्री को रिमूव करेंगे, जब हम लेवल टू का काम करके लेवल थ्री पे जा रहे होंगे ना,
उसके बाद जो क्योंकि साइज होगी उतने एलिमेंट होंगे हमारे लेवल 3 में। एक बार देखते हैं कोडरी कैसे कोड करेंगे इसको। ठीक है एक मिनट देना मुझे आप। ठीक है तो इसको हम क्या करते हैं कोड कर ले, जल्दी से कोड कर लेते हैं पहले। ठीक है इसको कोड करके हटाते हैं पहले। मैं इसको बॉयलर में डाल रहा हूँ, टेम्पलेट पहले से दिया गया कुछ हमें इसका नीड नहीं है। हमें यहाँ पे क्या करना है, एलिस्ट रिटर्न करनी है। तब तक तो अपना क्यू बना लो कोड टाइप का, न्यू अरे डी क्यू क्यू डाटा एट रूट। हमने रूट को ऐड कर दिया, बस उससे पहले आप चेक भी तो कर लो कि आपका रूट है कि आपके पास भी नहीं, रूट आपका कहीं नल ना हो। अगर रूट अगर आपका नल है तो इसके साथ रिटर्न करना है। तो ठीक है हमने ये बना लिया अपना। अब अपना चलते हैं अंदर, क्यू वाइल क्यू इज एम्प्टी। ठीक है हमने ये बना लिया, अब क्या करो रिमूव करो नोड रिम, नहीं रिमूव नहीं करना है पहले अपना निकालो निकालो तो साइज कितना अपने क्यूब का, इंट साइज इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज। अब अपना लूप चलाओ, जितना बार जितना जितना साइज है उतना तक लूप चलाओ, वाइल साइज -0। क्या करो रिमूव करो इसको, रिमूव किया आपने। अब देखो इसको क्या करो, एंसर में अपने ऐड कर लो। इससे इसके पहले क्या करो, आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, एरर लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसको आप यहाँ पे ऐड करोगे। लिस्ट कर दो इसको। ठीक है हम लिस्ट बना ली। अब इसको क्या करो, आपको लिस्ट में अपने ऐड कर लो इसको, रेम डॉट डेटा को आपने ऐड कर लिया। अब क्या करो आप, देखो क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड है, अगर रेम डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है और रेम डॉट राइट नॉट इक्वल टू नल है तो बस क्या करो, दोनों कुछ नहीं करना, मतलब हमें क्यू में ऐड कर देना है रेम डॉट लेफ्ट। रेम डॉट राइट हमने क्यू में ऐड कर दिया, और रिमूव से रिमूव रिमूव के रिमूव होके अपने आंसर में ऐड कर लो लिस्ट को, रिटर्न कर दो लिस्ट को। देखते हैं रन करते क्या आ रहा है इसका आउटपुट, कुछ एरर ना हो होप सो। एरर आ गई, अच्छा अगर रूट नल है तो एक्सपेक्टेड अच्छा न्यू न्यू करना भूल गया था मैं, आप न्यू करना भूल गया था रजिस्टर अपने। और यहां पे करना पड़ेगा मैं रूट, स्पेलिंग गलत है लाइन नंबर 129 पे, राइट की स्पेलिंग होगी राइट, कैनॉट फाइंड सिंबल आंसर, क्योंकि हमने ऊपर में एक एरर लिस्ट बनाई ही नहीं है तो कैसे मिलेगा हमें। सबसे पहले अपना लिस्ट बना लो यार एक आंसर। ठीक है हम लिस्ट बना लिए अपने आंसर, अब देखते हैं आई थिंक अब चल जाना चाहिए, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। आ गई आ गई आ गई, अच्छा स्पेलिंग गलत और यहाँ पे हम रिटर्न करना है आंसर ना कि लिस्ट करना है, हम उल्टा कर रहे हैं। देखो ये आउटपुट आ रहा है क्या, 1 4
$14 ऐसा कुछ आ रहा है क्या आउटपुट? हाँ जी, $1, $4, $2 ऐसा कुछ आ रहा है, $1, $4, $1, $4, $2। हाँ जी, सबमिट कर देखते हैं इसको एक बार, क्या सही है क्या ये। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, आई होप। हाँ जी क्लियर है, क्लियर, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, थैंक यू सो मच।